अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का जो सीन है बेसिकली वो है, एक लेक पे हमने जाना है जिसका नाम है कोतूर। हमने अपने अपार्टमेंट से जाना है एक लोकेशन पे जहाँ पे हमारी मशहूर का यानी कि बसेस खड़ी हुई हैं। वहाँ से है तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है, और 2 घंटे के सफ़र के बाद हमने जाना है दूसरी लोकेशन पे। वहाँ से हमारी होती है ट्रैकिंग स्टार्ट, जो कि है ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे की, और उसके बाद आती है लेक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस करके लाइक शेयर और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने अपनी बसेस पे बैठ के जाना है दूसरी प्लेस पे, जहाँ से हमारी होगी ट्रैकिंग स्टार्ट। पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड प्लेस पे, अब यहां से होगी हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट। हाँ जी, तो हमने अभी की है तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग स्टार्ट में नॉर्मल लेकिन अभी थोड़ी ज़रा यूँ कह लें कि मुश्किल होती जा रही है, लेकिन खैर ट्रैकिंग में मज़ा भी आ रहा है। और यहाँ का मौसम भी ऑलमोस्ट मतलब नॉर्मल है, ना इतनी गर्मी ना इतनी सर्दी। और बाकी ट्रैकिंग आपको मैं टाइम बाई टाइम आपको दिखाता रहूँगा कि कैसी है, आगे आपको व्यू भी दिखाऊँगा, ठीक है। स्टे जिसमें हम खाएंगे मेरे हाथ की बनी हुई बिरयानी।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोतूर लेक। ट्रैकिंग थी ऑलमोस्ट 4 घंटे की। स्टार्ट में तो हमें लगा कि बहुत ही आसान है भाई, स्टार्ट में आसान थी ऐसे ही, सिर्फ 2-3 जगह ऐसे है कि वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है लेकिन अच्छा है। फिर बीच बीच में जो भी हम आगे बढ़ते गए ना, तो उसके बाद फिर ज़रा होती गई मुश्किल। एंड वाली जो थी ना, आपने देखा भी होगा, तो वो ज़रा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी ना, तो इस वजह से। लेकिन लेक बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। लेकिन जो ट्रैकिंग जो सारा रास्ता है वो बहुत अच्छा भी है, खूबसूरती भी है, हर जगह है, रास्ते में भी सारी जगह है, मौसम अच्छा था, अच्छी अच्छी जगह है। और इधर का वेदर भी बहुत प्यारा है, आपको व्यू दिखाया है मैंने पहले भी और अभी भी दिखाता हूँ, इसके बाद आपको पसंद आएगा। और इसके बाद फिर हमारी वापसी है, वापसी पे ऑलमोस्ट कम ही लगेगा, इधर से तो 4 घंटे लगे थे उधर से आते हुए। हाँ, उतराई में इतना नहीं लगता, और वापसी में मे भी लग जाए 3 घंटे या इतना ही, क्योंकि 3 घंटे ना 2 आवर लग जाएंगे। हाँ, तो जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक फिर अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार करें प्लीज़ यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।